हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम टॉपिक ले रहे हैं, इफेक्ट ऑफ स्पिन ऑर्डर कपलिंग का। मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, और ये टॉपिक मैंने एमएससी थर्ड सेमेस्टर से लिया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे, और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए हैं। और टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, बी बराबर पाई नॉट आई अपॉन टू आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, पाई एस ये है डेल ई बराबर माइनस ई एस डॉट बी। ठीक है, और यहाँ पर आई का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बराबर माइनस टू ई अपॉन टू एम ई डॉट एस। ठीक है, अब बी बराबर आप बी के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने यहाँ पर लिखा है, और इसका जो मान है वो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, कितना, ई बराबर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एम ई सी स्क्वायर आर थ्री एल। ठीक है, अब यहाँ पे ई बराबर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा टू के लिए निकालेंगे, तो टू के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर फोर, और जब टू के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर फोर आएगा, और जब फोर के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेम चीज़ यहाँ पर एट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और ये एल और ये एस, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एन युग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन के लिए टोटल स्पिन क्वांटम नंबर होता है जो एन अपॉन टू के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंगुलर मोमेंटम कपलिंग के लिए एस एस कपलिंग कहलाती है। ठीक है, जिसे टोटल स्पिन नंबर एस एन कैपिटल एस ए प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये दिया गया है। अब एस बराबर यहाँ पर देखिए, दो इलेक्ट्रॉन के लिए एस वन प्लस एस टू, अब बराबर वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू। अब इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू, और इसे माइनस वन अपॉन टू, और यहाँ पर माइनस में वन अपॉन टू। तो यहाँ पर मान किसका आ गया, यहाँ पर इसका मान आ जाएगा एक, तो माइनस में है, ठीक है, ये सेम माइनस में है ये सब में, तो ये आएगा जीरो, और यहाँ पर माइनस वन दिया है इसलिए ये माइनस वन में ये इस तरह से आ जाएगा। आया समझ में, इसका इसका इतने का मान क्या आएगा, वन आएगा, ये माइनस यहाँ पर, यहाँ पर बीच में माइनस है तो इसमें क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस वन है तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसी प्रकार ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की कपलिंग को एल एल कपलिंग कहते हैं। ठीक है, जिसे टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एल से प्रदर्शित करते हैं। अगर एल एल है तो इसका किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से, और एस एस कपलिंग है तो उसको एस से प्रदर्शित करेंगे, और ये क्या होते हैं, कैपिटल में होते हैं हमेशा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर एल बराबर हमने स्मॉल एल प्लस एल टू लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे एल वन और एल माइनस वन, और यहाँ पे एल वन माइनस एल। ठीक है, अब इसी प्रकार एल एस कपलिंग के अनेक विधियाँ हो सकती हैं, जिनमें से दो प्रमुख विधियाँ हैं। ठीक है, जैसे कि आर एस कपलिंग। अब यहाँ इसके तब प्रभावी है जब स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग वीक हो, इसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल मोमेंटम मिलकर टोटल परिणामी ऑर्बिटल मोमेंटम एल देता है। इसी प्रकार स्पिन एंगुलर मोमेंटम मिलकर टोटल स्पिन मोमेंटम एस दे, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के परिणाम आघूर्ण एस एल संयुक्त कुल आघूर्ण जे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, किस तरह से, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे कि आर एस कपलिंग में इसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल मोमेंटा मिलकर टोटल परिणामी ऑर्बिटल एल देते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार स्पिन एंगुलर मोमेंटम मिलकर टोटल स्पिन एंगुलर एस देते हैं। अब ये देखिएगा, तो जब दोनों मिलकर जे उत्पन्न करते हैं, किस तरह से आता है, एस वन एस टू और एस थ्री है। अब यहाँ पे क्या है, एल वन है, एल टू, एल थ्री, तो ये क्या आएगा, एस एल आपस में मिलकर ये जे करेंगे, जे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब इसे हम क्या कहते हैं, रसेल सेंडर कपलिंग कहते हैं। अब आगे देखते हैं, अब जे जे कपलिंग देखेंगे तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चक्रण आघूर्ण उत्पन्न करे, अर्थात एस एल, और यहाँ पे सी टू माइनस एल टू, तो यहाँ पर जे वन जे टू, ठीक है, इस बराबर जे इस तरह से आएगा। अब इसे इसे ही जे और जे जे कपलिंग कहते हैं। यह कपलिंग तभी संभव है जब स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग लार्ग होती, जो हैवी एटम में होती। अब ये कब होगी, जब हैवी एटम्स में होंगी, ठीक है, और इसकी जो कपलिंग होगी वो लार्ग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक आपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ा है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है,
तो अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे। और अगर कोई नोट्स ये एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का कोई टॉपिक छूट रहा है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसे भी साथ ही में कम्प्लीट करवा दूंगी। ठीक है, थैंक यू।